एक कहावत आप लोग सुने होंगे, फिल्मी डायलॉग है, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम लोग का कश्ती, कतरासवासी का कश्ती कहाँ डूब रहा है, किस विभागीय लापरवाही से डूब रहा है, किस विभागीय पचड़े में फंस के डूब रहा है। पहले रेलवे और NHAI का पचड़ा में फंसा रहा, लगातार आवाज़ उठाते रहें, अब जाम से थोड़ी सी मुक्ति अगर मिलने का आसार दिख रहा तो अब जान से मुक्ति मिल रहा, सीधा सीधा ऊपर जाने की तैयारी इस रोड में, बचे रहें। इसी की आवाज़ के अंतर्गत आज हम आपको विवेक हजारी जी से यहाँ, उन्होंने, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया, आप युवा नेता हैं, आप अपनी बात आएँ और ज़रूर रखें, मौत का जिम्मेवार कौन? सबसे पहले सर, मौत का जिम्मेवार अशोका बिल्ड कंपनी और NHAI के पदाधिकारी है। जिस प्रकार वो अपना नाम को फैला गए हैं कि अशोका बिल्ड और NHAI, जो बड़े पदाधिकारी वो छोटे पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए छोटा, कभी आप सुने कि NHAI के पदाधिकारी के द्वारा या उनके कुछ लोग का मृत्यु हुआ? नहीं, गरीब लोग ही हमेशा पिसाता है। और आप तो लगातार हो रहा है जी, आप देखते होंगे भटमुन्ना हो गया, आपका कतरास कॉलेज हो गया, यहाँ पर भी कल एक मृत्यु हुआ, जिसका जिम्मेवार सबसे पहले NHAI के पदाधिकारी और अशोका बिल्ड और साथ ही साथ जिला प्रशासन है, वहाँ भी कोताही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अनुरोध करेंगे उनसे? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि आप जो बड़ा बड़ा ठीका तो ले लेते हैं मगर आप समय पर काम नहीं कर पाते। एक पुल को बनाने में 5 वर्ष आप लगा दिए, ऐसे भी लोग समस्या में है, और अब आप पुल को तो निर्माण किए मगर समस्या इसमें भी बहुत गंभीर है। आप देखते होंगे ये बहुत सारा जो पुल को जो बनाया है तो ढीप वगैरह सिस्टम से काम नहीं हुआ, सिस्टम जो बोला जा सकता वो NHAI तरीके से काम करके निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ष भी लगाया, पैसा भी कमाया, लेकिन गरीब लोगों का नुकसान हुआ इसमें जी। आवाज उठा है तो आगे तक जाएगा, प्रश्न वही है, मौत कल तक हुआ है, आगे नहीं हो, इसी के लिए मेरा यहाँ काम है। हम समस्या को इसलिए दिखा दें, श्रीमान चेतिए, विभाग चेतिए, प्रशासन चेतिए, नागरिक चेतिए, और आम आदमी से भी यही अनुरोध करेंगे, जिस तरीके से आप दायां बायां निकलने का कोशिश करते हैं हमेशा अपनी जान जोखिम में, नुकसान वही होगा, क्योंकि घर पर आपके बीवी बच्चे माँ बाप दोस्त यार कोई तो इंतजार कर रहा है। मैंने तो दिखाया है, मैंने तो पूछा है, हम तो पूछेंगे कि पेज से, हम 2-3 सवाल अभी आपसे और पूछने जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि अगर सीनी डी सुनाई डी होकर आप आते हैं, मौतें वहाँ भी हुई, कारण क्या होगा मुझे पता नहीं, हाईवे में हुआ। भटमुंडा में मौत हुई, कारण क्या हुआ मुझे पता नहीं, हाईवे में हुआ। कतरास कॉलेज के पास मौत हुई, कारण क्या है मुझे पता नहीं, हाईवे में हुआ। अगर कल यहाँ गौशाला पुल के पास हुआ है, छेदाडी के पास हुआ है, राजगंज रोड में आए दिन होते रहता है, अरे श्रीमान क्या हर ड्राइवर गड़बड़ है? कहीं ना कहीं आपका इम्प्लॉयमेंट तरीका भी हो सकता है। आप अभी भी चेतिए श्रीमान, जिस तरीके से अंधा कर्व आपने यहाँ बना दिया है, अगर यही स्थिति रही तो आप वेलकम कर रहे हैं यमराज साहब आकर यहीं पर बसे। जय हिंद श्रीमान, मैंने आवाज़ उठाया है, जनता की आवाज़ यही है, पब्लिक की आवाज़ यही है कि कम समय में इसका निदान करें, जाम से नहीं प्रॉपर वे में निदान दें श्रीमान, नहीं तो कहीं जान, जाम से तो मुक्ति आप दिला देंगे, और जान से मुक्ति मिल गया तो इसका जिम्मेवार मुझे बताने नहीं पड़ेगा कौन होगा। जय हिंद।